मध्य प्रदेश में भाजपा ने एक बार फिर कांग्रेस को झटका दिया है। यहां सतना की दो कांग्रेस पार्षद भाजपा में शामिल हो गई है, जिन्हें भोपाल भाजपा मुख्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। देश भर में भाजपा के द्वारा सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, वहीं मध्य प्रदेश में भाजपा सदस्यता अभियान के बीच भाजपा ने कांग्रेस को एक बार फिर झटका दिया है। यहां सतना नगर निगम की कांग्रेस पार्षद अर्चना गुप्ता और माया कोल ने कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। गुरुवार को राजधानी भोपाल के भाजपा कार्यालय पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए स्वागत किया। आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सतना के नगर निगम में वहाँ के हमारे वरिष्ठ पार्षद जो कांग्रेस के पार्षद थे श्रीमती अर्चना अनिल गुप्ता और श्रीमती माया कोल, दोनों ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं उनका बहुत स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। हमारे महापौर भाई योगेश ताम्रकार जी, वहाँ के हमारे संभाग के प्रभारी भाई रणवीर रावत जी, हमारे वहाँ के विधायक बिक्की, उन सब लोगों ने मिलकर के आज सदस्यता ग्रहण की है। मैं उनका भारतीय जनता पार्टी में उनके नेतृत्व में सदस्यता ग्रहण की है, इसलिए मैं उनका बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और जो जिस प्रकार का सतना के अंदर कुछ तथा कथित लोग जो माहौल बनाने का प्रयास कर रहे थे, आज उनको करारा जवाब भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। मैं उनका भारतीय जनता पार्टी में बहुत स्वागत करता हूँ। हाँ बिल्कुल, दिग्विजय सिंह जी को भी नाम मिलना चाहिए, दिग्विजय सिंह जी को भी सम्मानित करना चाहिए दुनिया के अंदर, क्योंकि वो उनकी जो भाषा, उनके जो शब्द और उनके जो पाकिस्तान के प्रति उनका प्रेम, ओसामा बिन लादेन से लेकर के उनका सबका सम्मान करने वाले दिग्विजय सिंह जी ही और कौन है इस देश के अंदर। तो मुझे तो लगता है कि दिग्विजय सिंह जी का भी सम्मान होना चाहिए। तो ये आज कांग्रेस इसी प्रकार की बातें कर रही है जो दुर्भाग्यजनक है।